कलेश्वर शास्त्री जी को और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इस पूरे अनुष्ठान में, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जिन्होंने उस 84 सेकंड का मुहूर्त बताया कि 84 सेकंड में किस तरीके से पूजा की जाएगी। लेकिन अब हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। कहते हैं ना कि आप राम का काम कहीं भी बैठ कर कर सकते हैं, भक्ति होनी चाहिए, बस भावना होनी चाहिए भक्ति की, राम तो उसी के अधीन है। अब यूपी के गाजीपुर की तस्वीर आप देखिए, वहां कैसे जेल के अंदर, ये यूपी के गाजीपुर की जेल की तस्वीर है जहां कैदी रोजाना अब सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, 22 जनवरी तक वो इसी तरीके से करने वाले हैं। देखिए आप, जिनको कहा जाता है कि अपराध करके आए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि राम ने जिस तरीके से विभीषण को भी अपनाया था और पूरा का पूरा लंका का राज विभीषण को दे दिया, रावण तक को मारने के बाद ये कहा कि मुझे अफसोस अब हो रहा है, तो इसी तरीके से बस आपके अंदर भावना होनी चाहिए। यूपी के गाजीपुर के जेल में ये सभी कैदी सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, रोजाना सुंदरकांड का पाठ करते हैं, 22 जनवरी तक वो इसी तरीके से पाठ करने वाले हैं। वाकई ये तस्वीर अद्भुत है, निराली है कि देखिए हर जगह उत्साह है। सरकार की मंशा और आदेश के अनुरूप दिनांक 14 जनवरी से कारागार में विशेष स्वच्छता एवं सफाई अभियान की शुरुआत की गई है। इसके अतिरिक्त कारागार स्थित मंदिर पर सुंदरकांड, राम संकीर्तन और हनुमान चालीसा का पाठ लगातार चल रहा है। इसके अतिरिक्त आगे दिनांक 22 जनवरी को दीपोत्सव का कार्यक्रम है, जिसमें कारागार में तथा कारागार परिसर में प्रत्येक घर पर दीपक जलाया जाएगा। तो देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक बार मैं हनुमानगढ़ी के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। देखिए किस तरीके से अब जो है श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया है। एक श्रद्धालु यहाँ पर है, कहाँ से आए आप? आगरा से। आगरा से आए जी। दर्शन हो गए अच्छे से? दर्शन हो गए। अच्छा, हनुमानगढ़ी पे भी हो गए और वहाँ भी राम जन्मभूमि पे भी। हमने कितने दिनों से आप यहाँ पर? हम 10 तारीख से हैं। 10 तारीख से हैं। अच्छा, व्यवस्थाएं अच्छी लग रही हैं? व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है। 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं? 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, जो मोदी जी उद्घाटन करेंगे। मोदी जी उद्घाटन करेंगे। देखिए 22 जनवरी का इंतजार हर किसी को है। यहाँ देखिए फूलों की जो सजावट है वो शुरू हो गई है, फूल वाले आ चुके हैं, मिठाई आपको यहाँ पर नजर आ रही है, कुछ लोग जो है प्रसाद खरीद रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम देख रहे हैं जय श्री राम लिखा हुआ, तो एक बार जय श्री राम का उद्घोष हो जाए। जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है, कहाँ से हैं आप? हम आए सागन से। अच्छा, कैसा लग रहा है अयोध्या में? ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, आप पहले भी आए हैं? नहीं, पहली बार। अच्छा, बदला लग रहा है, व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं? अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। जोश थोड़ा कम क्यों नजर आ रहा है? जय श्री राम का। जय श्री राम। जय श्री राम। तो देखिए इस तरफ है और दूसरी तरफ मैं आपको ये दिखा दूं कि जितने भी बड़े अधिकारी हैं पुलिस के, वो लगातार जो है मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं कि कहां कहां पर कितने नाके पर कितने पुलिस बल तैनात हैं, बाकायदा उनकी एंट्री की जा रही है। आप देखिए यहां पर अभी फिलहाल जो है 3 आपको जवान नजर आएंगे, ऊपर जो एंट्री पॉइंट है वहां पर भी कुछ जवान आपको नजर आएंगे। तो देखिए चप्पे चप्पे पर इस तरीके की पुलिस की तैनाती की गई है, लेकिन राम कथा हो, रामायण हो, उसका मंचन अब देखिए, क्योंकि देखिए सिर्फ अयोध्या ही राम में नहीं है, देश का हर कोना कोना राममय है। और ये जरूर कह सकते हैं कि अयोध्या में इस वक्त दुनिया के तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन मथुरा की खास तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं, जो मथुरा में भी आपको राम के रंग नजर आएंगे। देखिए मथुरा की विशेष तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मथुरा भी राममय हो गया है, वहां पर देखिए कि किस तरीके से रामायण का मंचन किया गया है। लेकिन यहाँ पर राधा और कृष्ण को राम और सीता की तरह तैयार किया गया है। ये तस्वीरें इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि देश के कोने कोने में जितने भी राम भक्त बैठे हुए हैं वो इसी तरीके से राममय राम रंग में रमे हुए हैं और मथुरा भी इस वक्त राम में रमी हुई नजर आ रही है। 22 जनवरी को श्री कृष्ण जन्म स्थान पर विराजित भगवान श्री केशव देव श्री राम रूप धारण करके भक्तों को दर्शन देंगे। सबको ज्ञात है कि तुलसीदास जी को उनके भावान रूप भगवान श्री कृष्ण ने राम रूप में दर्शन दिए थे। प्रथम बार होगा जब राधा कृष्ण विराजमान श्री कृष्ण जन्मभूमि पर श्री राधा जी श्री सीता जी के रूप में दर्शन देंगी और श्री कृष्ण राम रूप धारण करेंगे। आप रामचरितमानस पढ़ेंगे, मुझे इसलिए मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर आ रही है। तो अयोध्या देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मानो मैं रामचरितमानस के पन्ने जो है वो पलटती जा रही हूँ। रवि करुक करेंगे, रवि हमारे साथ सरयू घाट से जुड़ रहे हैं। रवि, समय है पूजा में, लेकिन सरयू घाट से क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? ठंड बहुत ज्यादा है आज, तो हवा भी चल रही है, लेकिन श्रद्धालुओं की श्रद्धा कम नहीं हो रही है? हावी नहीं हो रही है ठंड श्रद्धालुओं की श्रद्धा पर?
सपना बिल्कुल आपने सही कहा, और सरयू की मैं तस्वीरें सबसे पहले दिखाना चाहूंगा। ये सुबह की तस्वीरें हैं और बिल्कुल ठंड तो बहुत ज्यादा है, और ये देखिए इस समय लोग घाट पर पहुंचे हैं स्नान करने के लिए, और जो भगवान के स्थापित होने को लेकर अनुष्ठान वो एक दिन पहले से ही शुरू हो गए हैं, लेकिन लगातार ये करीब 5-6 दिन तक चलते रहेंगे, 22 तारीख तक। ये देखिए तमाम तस्वीरें, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग स्नान करने के लिए आए हैं, और इस बीच में मैं कुछ महिलाओं से भी बात कराऊं किस तरीके से वो सोचती हैं अयोध्या के लिए, अयोध्या के विकास के लिए, और राम लला को लेकर। कहाँ से आई आप? गोरखपुर से आए हैं। गोरखपुर से जी। तो ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगे, अयोध्या आई है, पहली बार आई है गोरखपुर? हम लोग कलवास भी यहाँ करते हैं, ये कलश यात्रा, कलश उठा लीजिए ना, तो कलश यात्रा ये रेगुलर चलता है या अभी आज का? नहीं, आज का है। आज का जी। तो कितने लोग आप लोगों के साथ कितने लोग हैं? 250 लोग। हाँ। तो कैसे आते हैं कलश यात्रा, क्या पैदल होता है कि गाड़ियों से? पैदल जाते हैं, पैदल जाएंगे यहाँ से सब लोग पैदल। अच्छा, पानी लेके, मतलब सरयू? हाँ, यहाँ पूजन होगा, उसके बाद पानी लेकर के जाएंगे हम लोग। अच्छा जी। तो कितना दिन लग जाएगा? नहीं, यहाँ से 2-3 किलोमीटर है यहाँ से। अच्छा, राम जन्मभूमि तक जाएंगे हम लोग। अच्छा, यहाँ से पानी भर के जल लेकर राम जन्मभूमि तक जाएंगे। जी जी जी। ये बताइए कि अयोध्या इस समय कैसी लग रही है आप? तो बार बार जब तक मोदी जी हैं तब तक बहुत है, जान लीजिए। हाँ, हाँ। अच्छा, आप बताएं अयोध्या के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इधर सामने देखिए, अयोध्या तो हमारी जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि है। यहाँ से हम लोग जल भरेंगे, उसका कलश यात्रा लेके राम जन्मभूमि पे जाएंगे। हाँ। और वहाँ जो है कलश रखा जाएगा। हाँ। फिर राम के उसमें स्नान में, पूजा पाठ में, वहाँ जाए जो भी कार्यक्रम होगा। हाँ। उसमें उसका उपयोग किया जाएगा। अच्छा, ये कई श्रद्धालु हैं यहाँ पर आए हुए हैं, महिलाएं गोरखपुर से आई हैं, और यहाँ से सरयू का जल लेकर फिर राम जन्मभूमि तक जाएंगी। तो ये है कि पूरी की पूरी अयोध्या राममय हुई है, इस समय स्नान भी किए जा रहे हैं। तमाम जो श्रद्धालु हैं, तमाम जो भक्त हैं यहाँ पर, जो पर्यटक हैं आते हैं रेगुलर, हालांकि ये होता है, लेकिन जब से राम मंदिर के निर्माण की डेट और खास करके जब से इसके उद्घाटन की डेट सामने आई, उसके बाद ज़्यादातर जो लोग श्रद्धालु वो अयोध्या की तरफ आ रहे हैं। आज तो अयोध्या की सड़कों पर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, पाबंदी भी हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके 22 तारीख नज़दीक आती जा रही है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री और कई VVIP का मूवमेंट होगा, उनके आने की तारीख बिल्कुल नज़दीक आती जा रही है, इसकी वजह से कई सड़कों पर आप बिल्कुल बिना पास के नहीं जा सकते हैं, यहाँ तक भी पहुँचने में बहुत मुश्किल हो रही है। तो फिलहाल अयोध्या की ये तस्वीरें और सरयू घाट की भी तस्वीरें आप सुबह की देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं पहुँचे हैं सुबह सुबह। आप तस्वीरें दिखा रहे हैं सरयू घाट की, और मैं तस्वीरें दिखाती हूँ राम मंदिर की। ये देखिए, लोग ध्वज लेकर पहुंच रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। एक बार लहरा दीजिए, फहरा दीजिए एक बार। ये देखिए, ये लगभग हर गली कूचे की तस्वीर है अयोध्या की, ऐसा ही उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। लोगों का ये कहना है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, तो ये लोगों के नारे लग रहे हैं। लेकिन हमारे साथ मोनिका भी बनी हुई है। मोनिका, लोग यहाँ कह रहे हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जरा हनुमानगढ़ी पर भी लोगों से बातचीत कर लीजिए। बिल्कुल, देखिए सनातन धर्म में सपना राम एक ऐसा महामंत्र है जो आपके जीवन से लेकर मृत्यु तक आपके साथ रहता है। देखिए, राम आपके दुखों में भी आपके साथ रहता है, आपको सुख भी देता है, और यही वजह है कि हर कोई कह रहा है कि अब राम राज्य जो है वो लौट कर आ रहा है। कुछ श्रद्धालु हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। कहाँ से आए आप? हरिद्वार से। मैम, हरिद्वार से कैसा लग रहा है अयोध्या? मैडम जी, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम, जोश कितना नजर आ रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, तो अयोध्या में ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग त्रेता युग में हैं। हाँ। और आज हनुमान जी के दरबार में आप भी खड़े, हम भी खड़े, और राम लला का दर्शन करने से पहले जब तक हनुमान जी की कृपा नहीं होगी तब तक उसको राम जी का दर्शन नहीं होगा। गोस्वामी जी लिखते हैं ना कि राम दुआरे तुम रखवारे अहोत नया बिनु पैसारे। तो ये हनुमान जी महाराज की आज्ञा थी जो राम
मंदिर और ये अयोध्या इतनी दिव्य और भव्य सज रही। कैसी लग रही है अयोध्या? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भाई जनवरी के लिए आप लोग तैयार है? दीपोत्सव करेंगे? जय श्री राम, जय श्री राम। घर में दीपक जलाएंगे भाई जनवरी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दीपावली जलाएंगे। दीपावली के तमाम मंदिरों में दीपोत्सव, दीपोत्सव से भी ज्यादा। और हम लोगों ने अयोध्या वासियों ने घोषणा कर दिया कि अभी तक तो पूरे भारत में एक दीपावली होती थी, लेकिन 22 जनवरी से भारत वर्ष में दो दीपावली 22 जनवरी। और देखिए अयोध्या में हर दिन आपको दीपावली जो है वो 22 जनवरी तक इसी तरीके से नजर। जय जय श्री राम। देखिए आप किसी भी गली कूचे में देख लीजिए, जय श्री राम के उद्घोष आपको नजर आएंगे। जय श्री राम। कहाँ से आए हम? मथुरा से आए हैं। मथुरा से आए हैं, एकदम वेशभूषा आपने धोती पहनी हुई है, राममयी नजर आ रहे हैं। रामानंद संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। रामानंद संप्रदाय से जुड़े हुए हैं आप तो? तो आप तो विशेष हमें कुछ बताइए, जानकारी दीजिए और कुछ बताइए राम के बारे में। राम के बारे में? राम श्री राम के बारे में? राम के बारे में कौन नहीं जानता। आपके मन में क्या भाव है 22 जनवरी को लेकर? 22 जनवरी को लेकर इतना बड़ा भाव है, इतनी बड़ी खुशी है, उत्साहित है आप लोग? अच्छा दर्शन हो गए आप लोग? हाँ दर्शन हो गए। कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। पहले भी आए हैं? नहीं नहीं, पहली बार आए। पहली बार आए में कार सेवा के टाइम। अच्छा, जगत गुरु जी हमारे गुरु जी हैं। ठीक है, आप कहाँ से हैं? गोपालगंज बिहार। गोपालगंज कैसा लग रहा है अयोध्या? बहुत अच्छा। व्यवस्थाएं कैसी लग रही? बहुत अच्छी व्यवस्था। बहुत अच्छी व्यवस्था लग रही है। तो देखिए व्यवस्थाएं बहुत अच्छी लग रही है। इक्का दुक्का जो लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ संत महात्मा भी यहाँ पर हैं। कहाँ से आए आप? जी हम तो यहीं के हैं। यहीं के हैं आप? अयोध्या के हनुमानगढ़ी के हैं। हनुमानगढ़ी के हैं। तो हनुमान भगवान की तो कृपा है, ये राम की कृपा तो हो ही रही है और देश भर में राम की कृपा हो रही है। कृपा आज से नहीं हो रही है, तो बहुत दिनों से हो रही। कई कुष्ठ, कई पीढ़ियां बीत गई, कई कुष्ठ बीत गए, कई सदियां बीत गई, कितने अवतार हुए भगवान के, हनुमान जी हमारे हैं अयोध्या में। अच्छा 22 जनवरी के लिए कितने उत्साहित हैं? हम तो बहुत उत्साहित हैं, इतने उत्साहित हैं कि हम तो शंख बजाते हैं, लोगों को सुनाते हैं शंख। अयोध्या अच्छा, को तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन इस बार कैसी अयोध्या? इस बार तो काया ही पलट गई है, ऐसा तो हम सोचे भी नहीं थे कि ऐसा होगा अयोध्या में, ऐसी नगरी अयोध्या धाम ऐसा बन गया। यहाँ तो देश विदेश के लोग आते हैं, कभी हम लोग सोचते नहीं थे सपने में। हम लोग सोचते थे हम ही लोग सीताराम करेंगे, लेकिन अब तो ऐसा जन जन के मुख पे, जन जन के मुख में सीताराम है। और जे मुख राम राम नहीं आवा और सो मुख विधना नाक बनावा, जिस मुख में राम राम नहीं है उस मुख को कोई मुख नहीं है, वो उसको विधना ने नाक बना दिया, उसको नहीं बनाना चाहिए। और योगी और मोदी यहाँ के तो राम लक्ष्मण है, वो तो काया ही पलट दिए, सारे हिंदू को जगा दिए उनने। और कुछ हिंदू ऐसे हैं जो जगे नहीं हैं, अभी वो मुर्दे के माफिक सो रहे हैं, वो माया ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से माया कितना आ जाए और किसका कितना विरोध कर दें। ये विरोधियों से कह रहे हैं बिल्कुल, ये संदेश जो है अयोध्या के अवधवासी और तमाम राम भक्त जो है उन्होंने इन तमाम लोगों को संदेश दे दिया है अयोध्या से ही, जो लगातार सवाल उठा रहे हैं। आप कहाँ से आए बाबा जी? कहाँ से आए? सीतापुर से आए हैं। माता जी दर्शन हो गए? अच्छा राम मंदिर हनुमानगढ़ी के दर्शन हो गए आपके? हो गए। हो गए, बढ़िया से दर्शन हुए, व्यवस्थाएं ठीक है। कब से आए आप लोग यहाँ पर? हम आज ही आए। आज ही आए? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। तो देखिए दूर दूर से यहाँ पर जो है, हाँ एक शंख बिल्कुल, शंखनाद तो जरूर होना चाहिए, बजा दीजिए एक बार हनुमान जी के लिए, बिल्कुल बजा दीजिए। देखिए शंखनाद तो उसी वक्त हो गया था जब ये तारीख तय कर ली गई थी कि वो 22 जनवरी वो दिन होगी, वो दिन होगा, वो घड़ी होगी जब प्राण प्रतिष्ठा होगी। और आज देखिए एक और शंखनाद हो गया, यानी कि वो संकल्प पूरा हो रहा है, सिर्फ 5 दिन शेष बचे हैं। सपना
बिल्कुल 5 दिन शेष बचे हैं और बड़े आपके पास कहूँ मैं भक्ति भाव से भरे हुए भक्त आ रहे हैं जो शंख भी बजाकर दिखा रहे हैं। जरा तस्वीर आके दिखा दीजिए। मैंने कहा ना कि जैसे जैसे दिन बढ़ता चला जाएगा लोगों की संख्या यहाँ बढ़ती जाएगी। और हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में मैं आपको बता दूं कि हनुमानगढ़ी पर आपको ज्यादा भक्तों की संख्या दिखाई देगी क्योंकि वहां उतनी आपको बैरिकेडिंग नहीं दिखाई देगी, लेकिन राम मंदिर जाने में बड़ी पाबंदियां हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। कुछ लोग आ रहे हैं भगवा पहने हुए, जरा उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आए आप लोग, कहाँ से आए? जी हम आए महाराष्ट्र सोलापुर से। सोलापुर से आए, महाराष्ट्र से बहुत दूर से आए हैं। हाँ, तो आप तो पांडुकर वाले हैं? पांडो रंग ही एक और स्वरूप है राम जी का। यस, यस, कैसा लग रहा है अयोध्या? अभी देखते हैं कि 500 साल का जो इतिहास है, जितना बड़ा संघर्ष हमने देखा है। आप आए पहले ऐसे? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हैं, सुनते सुनाते आए होंगे ना कि अयोध्या ऐसा है, अयोध्या वैसा है। वही बोल रहे। कैसा वैसा लग रहा है जैसा सुना था, क्या उससे भी अच्छा? बहुत अच्छा चल रहा है काम। हाँ। और इसके आगे तिरुपति और बढ़ेगा। हाँ? क्योंकि ये मतलब ऐसा होने वाला है कि तिरुपति बालाजी जैसा बना है। हाँ? वैसा ये नॉर्थ इंडिया का बन जाएगा। एक बार जय घोष, जय श्री राम। बस इतना, जय श्री राम। पांडुकर वाले तो बहुत तेज बोलते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय।